और चूड़ा वो तो मामा की साइड से होता है। आई होप वो स्टाइलिश हो। अच्छा अपनी ज्वेलरी तो दिखा दे यार, वो देखने के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो तो मम्मी ने सेफ में रखी है, प्योर गोल्ड है ना। अपने लोग आए हुए हैं घर में, ऐसे थोड़ी ना बाहर रख देंगे। FD तोड़वा के बनवाई है मम्मी ने, फौलाती बेटी की शादी है। तूने अपनी पैकिंग तो ढंग से कर ली ना? अपनी सारी अच्छी साड़ियाँ ना नीचे छुपा के रखी हो, रस्म होती है हमारे यहाँ पे तो। नई भाभी की बैग में से ना ननद और सास अपनी पसंद की साड़ी चुन सकते हैं। मेरी भाभी इतनी अच्छी साड़ियाँ तो नीचे छुपा के रख दी और गंदी गंदी ऊपर रख दी। अब दोबारा करूंगी पैकिंग। तू क्या लाई है मेरे लिए गिफ्ट में? हाँ दिखाती हूँ, पकड़। ये देख, शादी के बाद ये हैंडबैग ना हर फंक्शन पे जाएगा। यार मैंने सोचा था तू मेरे लिए सेक्सी सी नाइटी लाएगी, तूने तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट कर दिया मुझे। यार तो तू मुझे बता देती, मुझे थोड़ी ना पता था ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटे तेरी मम्मी ने बता रखा है ना क्या करना होता है फर्स्ट नाइट पर। क्या बोल रही है? चल यार हम डांस करने चलते हैं। यार सगाई के फंक्शन पे ना एक एक गेस्ट के पैर छू के ना मेरी तो कमर टूट गई है।